नमस्कार दोस्तों, डिजायर एडमिशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, महाराष्ट्र स्टेट ने AIQ 15% BAMS, BHMS एंड BUMS कोर्सेज का फर्स्ट राउंड डिक्लेयर कर दिया है और इसका कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा हाई गया है। मतलब लास्ट ईयर 330-335 वालों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी, पर इस साल जो सीट अलॉट है वो 350 प्लस इसका कट ऑफ गया है। अभी इसका कट ऑफ हाई क्यों गया है? क्योंकि जिनके भी मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने भी जो AIQ 15% है उसमें जो राउंड है उसमें पार्टिसिपेट किया था, फॉर्म फिलअप किए थे, इस वजह से उनको सीट अलॉट हुई है और उन्होंने सीट ब्लॉक करके रखी है, इस वजह से भी कट ऑफ बहुत हाई गया है। अगर सेकेंड राउंड की बात करें, अब विद इन 10-15 डेज में सेकेंड राउंड जरूर होगा और उसमें ये सारे स्टूडेंट्स बाहर निकल जाएंगे, इस वजह से सेकेंड राउंड का कट ऑफ जरूर कम होगा। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी, जो कैटेगरीज का रिजर्वेशन है वो इसमें नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ ओपन कैटेगरी ही मान्य है, तो इसका कट ऑफ जो है 350 प्लस गया है, पर सेकेंड राउंड में कट ऑफ जरूर कम होगा। इसी के साथ 85% स्टेट कोटा का रिजल्ट 23 नवंबर को होने वाला है। तो अगर आपको इधर भी सीट मिली है एंड उधर भी मिली है तो आपको एक ही सीट लेनी है, क्योंकि अगर आप दोनों सीट्स ब्लॉक नहीं कर सकते तो जिस भी कॉलेज में आपको लगता है कि वो सीट अच्छी है या आपको जो स्कॉलरशिप है वो मैटर करती है, इस तरह से आप एक ही सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, हमारे पेड काउंसलिंग चाहिए, तो आप हमें 9730898960 पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि जैसे कि यहाँ भी सीट मिली है 15% में एंड 85% में भी सीट मिली है, तो कहाँ की सीट लेनी बेटर है, या फ्री एग्जिट होता है या रिटेंशन फॉर्म, इस बारे में आपको जानकारी हम ज़रूर देंगे। अगर और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ अगर सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड जो है अभी BAMS, BHMS, BUMS का जो फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग है वो 30 नवंबर तक है, उसके बाद 10 डेज में यानी 8-10 दिसंबर तक सेकेंड राउंड हो सकता है। और इसी के साथ जो महाराष्ट्र स्टेट का 85% के राउंड है उसका भी रिजल्ट 23 नवंबर को होने के बाद उसका भी सेकेंड राउंड है विद इन 10-15 डेज में हो सकता है, क्योंकि उसकी भी रिपोर्टिंग 30 नवंबर तक है, उसके बाद 10 दिसंबर तक वो भी राउंड हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।